हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे बुक से 70 इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो भी आंसर के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये 70 अति लघु उत्तरीय प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार हो गए। ओके स्टूडेंट, और वैसे भी बोर्ड एग्जाम में अगर आप देखें तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या जो है 5 से 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक नंबर वाले। ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपके 2 नंबर के होते हैं, तो यानी कि 10 नंबर आपका कहीं नहीं गया है अगर आप ये 70 अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का कि कूलाम के नियम की परिसीमाएँ लिखिए। तो जो कूलाम का नियम है उसकी कुछ लिमिटेशन है, उसकी कुछ सीमाएँ हैं, वहीं तक वो कूलाम का नियम वर्क करता है और उसके क्या कंडीशन है कि उसके बाद कूलाम का नियम वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं आंसर नंबर 1 की। उससे पहले जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं आंसर नंबर 1 की। तो आंसर नंबर 1, पहला क्वेश्चन है कूलाम के नियम की परिसीमाएं। तो अगर कूलाम के नियम की हम परिसीमाओं की बात करें तो सबसे पहले जो कंडीशन है, ठीक है, वो कूलाम का नियम जो है वो केवल और केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। ठीक है, तो पहला है कूलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरा है कूलाम का नियम जो स्थिर दो बिंदु आवेश है वो कुछ दूरी तक ही जो है वो वर्क करता है, उसके बाद वो वर्क नहीं करता। ठीक है, तो कूलाम का नियम आर लेस देन 10^-15 मीटर के लिए सत्य सत्य नहीं है। कहने का मतलब यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी हम ये रख देते हैं, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों की जो बीच की दूरी है वो दूरी इस मान के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, इस मान के लिए सत्य नहीं है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा चलिए लिखते हैं और उसके मात्रक की बात करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ भी चुके हैं और अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपका ये सब कुछ रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम टाइम तक ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी और भूलेगा भी नहीं। ठीक है, और अगर इसको आप स्किप कर करके देखेंगे या वीडियो नहीं देखेंगे तो इससे आपका ही नुकसान होगा, चीज़ें आपकी उतनी बेटर नहीं तैयार हो पाएंगी जितना होना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सेकेंड है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर परिभाषा की हम बात करें तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल तथा उस आवेश के मान के निष्पत्ति के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता कहते हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपान क्यू नॉट, यानी इसका मात्रक अगर हम बात करें तो एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और इसका मात्रक क्या होता है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक हो गया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इस तरीके के क्वेश्चन आप देखें तो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 1.5 गुणे 10^-3 कूलाम आवेश पर, इतने कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य कर रहा, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पर फार्मूला क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इजकल टू अभी अभी जस्ट हमने लिखा था क्या होता है एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे आपको दे दिया गया है बल एफ का मान कितना दिया हुआ है 2.25 न्यूटन, आवेश क्यू का मान कितना दिया हुआ है 1.5 × 10^-3। तो चलिए वैल्यू रखते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है। तो एफ की जगह 2.25 बटे क्यू की जगह 1.5 × 10^-3, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे दो अंक पे दशमलव है, यहाँ पे एक अंक, तो अगर ऊपर और नीचे दोनों का दशमलव हमको ख़त्म करना है तो मैक्सिमम दो अंक पे दशमलव है तो 100 से ऊपर और 100 से नीचे गुणा कर दो। तो अगर हम 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो यानी कि 2.25 × 100 बटे, ये उनके लिए है जो दशमलव को हटाना नहीं जानते, और जो जानते हैं वो सीधे दशमलव को अपना हटा के कैलकुलेशन कर लें। ये जो है तरीका बाय वालों के लिए है, 1.5 × 100 और × 10^-3, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा फिर वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो अंक पे दशमलव है, 2 0 थे, यानी अब दशमलव पूरी तरीके से ऊपर हट गया, तो ऊपर का दशमलव हट गया, ठीक। अब इसका इसमें गुणा करोगे, एक अंक पे दशमलव है यानी 1 0 कम हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 150 × 10^-3। अब देखो 10^-3 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो 10^+3 हो जाएगा, तो 225/150 × 10^+3, तो 5 से ये कट जाएगा, 5 3 15 और 5 4 20 5 25, ठीक है, यहाँ बचा 30, अभी भी ये 5 से कट जाएगा ये, तो 5 से इसको फिर काट दो, तो 5 6 30 और 5 9 45, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 2 6 3 3 9, 3 2 6 3 3 9, तो आया कितना 3/2 × 10^3 न्यूटन पर कूलाम। इसको और सॉल्व कर लो, 3 में 2 से भाग कर दोगे कितना आ जाएगा 1.5, तो 1.5 × 10^+3 × 10^+3 न्यूटन पर कूलाम, ये क्या आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है, यही आपसे पूछा हुआ था, क्लियर हुआ। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत फ्लक्स का मान, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा इसका विमीय सूत्र लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और इसका विमीय सूत्र लिखना है, तो वैद्युत फ्लक्स की मात्रक क्या होता है, सभी लोग जरा बताइए कमेंट बॉक्स में, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी के कमेंट्स आने चाहिए, सभी लोग वैद्युत फ्लक्स के मात्रक को कमेंट कीजिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई इक्वल टू ई ए, ठीक है, ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा का कोई मात्रक होता नहीं है। तो अगर हम मात्रक की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, फाई ई के मात्रक की बात करें तो ई का मात्रक, ई का मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलाम, ए का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो मात्रक फाइनली क्या बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ये क्या हो गया वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, इसके विमीय सूत्र पूछ रहा है, तो इसके अगर आप विमीय सूत्र की बात करें तो ये होता है एन, यानी कि न्यूटन, और न्यूटन
किसका मात्रक होता है, बल का, और बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी की पावर माइनस टू, मीटर स्क्वायर और मीटर की बीमा होती है एल, तो यानी कि एल स्क्वायर बटे कूलाम, कूलाम यानी क्यू की बीमा होती है ए टी। इसको क्या करो, अरेंज कर लो, यही आपके क्या हो गई, वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई की बीमा हो गई, ठीक है। तो फाई ई इक्वल टू एम जीरो एम एल की पावर थ्री टी की पावर माइनस थ्री ए इनवर्स, ठीक है। ये क्या हो गई, वैद्युत फ्लक्स की बीमा हो गई, ठीक है, समझ गए अच्छी तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गॉस की प्रमेय लिखिए। तो गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, उसी को हमें क्या करना है, लिखना है, और उसको मैथमेटिकल टर्म में भी रिप्रेजेंट करना है, यानी गॉस के नियम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, साथ ही साथ उसको भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं आंसर नंबर 5, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित या किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स या गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का वन अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। और इसी को अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इसका हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा तथा इसकी बीमा लिखिए। तो वैद्युत विभव की क्या परिभाषा बनेगी उसको देखते हैं। तो वैद्युत विभव की अगर हम परिभाषा की बात करें तो वैद्युत विभव की सिंपल सी परिभाषा है कि किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, ठीक है, W और उस बिंदु आवेश के मान के निष्पत्ति के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। या डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो जो वैद्युत आवेश आप ले आ रहे हैं उसको क्या कर दो, एकांक वैद्युत क्षेत्र, ठीक। तो डेफिनेशन में अगर चेंजेस चाहते हो तो क्या करो, हमने अभी भी क्या बताया आपको कि जो बिंदु आवेश आप ले आ रहे हो वहीं पर थोड़ा सा चेंजेस कर दो कि एकांक बिंदु आवेश को, ठीक है, एकांक बिंदु आवेश को। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6, एकांक बिंदु आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर आता, ठीक है, किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि वैद्युत विभव बी बराबर
डब्लू अपान क्यू जीरो। एकांक का मतलब ही हो गया जो कार्य मिल रहा है उसको आवेश से भाग करना, ठीक है। और यहीं पे अगर हम क्या करते हैं, एकांक वर्ड ना इस्तेमाल करते तो परिभाषा में क्या चेंजेस होता वो भी समझ लो। बिंदु आवेश को यहाँ पे तब आप लिखते हैं, किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्लू और उस परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, तब डेफिनेशन ये बनती और ये आप लिखते हैं, ठीक है। और एकांक वर्ड लिखने से निष्पत्ति वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है, जिस तरीके से आप चाहें वो डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। और क्या पूछा है, इसकी बीमा। तो इसकी बीमा देखिए, तो V की बीमा क्या हो जाएगी, यानी कि W की बीमा और अपान Q की बीमा। तो W की बीमा क्या होती है, वर्क यानी कि कार, कार बराबर क्या, बल गुणे विस्थापन या बल गुणे दूरी। और बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी की पावर माइनस टू, एम एल टी की पावर माइनस टू, ठीक है। और साथ ही साथ बल गुणे विस्थापन यानी कि विस्थापन यानी दूरी एल और अपान क्यू, क्यू की बीमा होती है ए टी, क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, एक नीचे है ए जाएगा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, टी की पावर माइनस थ्री और ए इनवर्स। तो ये आपके क्या हो गई, वैद्युत विभव की बीमा हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका एक न्यूमेरिकल है। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि न्यूमेरिकल भी अति लघु उत्तरीय में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को एक कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव का मान, यानी इस तरीके से हमारा कोई एक गोला है, ठीक, इसकी त्रिज्या कितनी है, सेंटर एक सेंटीमीटर, कितनी त्रिज्या है इसकी, एक सेंटीमीटर। इसको चार्ज कितना दिया गया, क्यू का मान एक कूलाम, कितना दिया गया एक कूलाम। एक कूलाम आवेश देने पर इसके पृष्ठ पर कितनी वैद्युत विभव होगी, तो वैद्युत विभव बी का फार्मूला होता है वी इक्वल टू क्या जानते हैं, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, क्यू अपान आर, ठीक है, आर। अब देखिए वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम सब जानते हैं कितना होता है, 9×10^9। क्यू का मान यहां दिया हुआ है, आर का मान यहां दिया हुआ है, ठीक है। तो आर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे, तो एक सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1×10^-2 मीटर, ठीक है। अब मान रख लो 1/4πε₀ का मान 9×10^9 Q का मान दिया हुआ है 1 कूलाम बटे दूरी, R का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, 1×10^-2, 10^-2 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 9 पहले से है तो 9×2=11, तो 9×10^11 वोल्ट, इतना विभव होगा, ठीक है, इस गोले के पृष्ठ पर इतना विभव होगा। एकदम क्लियर हो गया क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट यहां पे नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद रिमेन क्वेश्चन जो है कल के वीडियो में करवा जाएंगे। इस तरीके से आपको हर एक, जब तक आपके 70 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तो ऐसे जो है 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि एक साथ क्वेश्चन भी बता दूंगा तो पता नहीं आप लोग तैयार करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसलिए बेटर यही है कि हम ही तैयार करवा देते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको
इंपॉर्टेंट हम सेलेक्ट करके बता रहे हैं, तो उसको साथ साथ जो है डिस्कस भी कर दे रहे हैं, इससे आपका तैयार भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएंगे। आठवां क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। अब बताइए भाई, सबके सब बताइए वेग कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर प्रोटॉन की बात है, प्रोटॉन का वेग निकालना है, तो वेग कैसे निकलेगा इस चैप्टर में। हालांकि हमने तो कोई वेग का फार्मूला आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है, वेग का कोई फार्मूला मैंने नहीं पढ़ाया। अब आप लोग रिसर्च करिए कि वेग हम कहाँ से निकालें। किसी को कोई आइडिया, कितने लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा, बस कमेंट बॉक्स में अपना हाथ उठा दीजिए और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो कोई अगर प्रोटॉन है, प्रोटॉन को अगर हम क्या करें, किसी भी विभवांतर से अगर उसको विभवांतर दें तो वो एक्सेलरेट हो गया, यानी उसमें गतिज ऊर्जा जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा E into V। कितना हो जाएगा E into V, या आपको याद होगा W बराबर क्या होता है, V into Q। क्या होता है, V into Q, और यहां पे Q का मान दिया हुआ है 1 प्रोटॉन। Q का मान कितना दिया हुआ, 1 प्रोटॉन, यानी कि 1×10⁻¹⁹ कूलाम, 1×10⁻¹⁹ कूलाम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश सेम होता है, बस केवल प्लस और माइनस का, ठीक है। अब इसी में जो है आप वैल्यू रख लीजिए, तो B का मान है 500 × Q का मान 1.6×10⁻¹⁹, तो कितना हो जाएगा, 16×5 = 80, ठीक है। तो 80 ये हो गया और 20 ये, तो एक अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव हो गया, × 10⁻¹⁹, ठीक है। तो 2 अंक दशमलव हम पीछे से आगे ले आ रहे हैं, तो power 2 + हो जाएगी, तो −19 + 2 कितना हो जाएगा, −17, तो 8×10⁻¹⁹ कितना, जूल, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा हाफ, गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है ½mv² और इसकी वैल्यू कितनी हमने निकाली है, 8×10⁻¹⁷, तो यहाँ से v² = कितना हो जाएगा, 2 इधर गुणा है, भाग है उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 8×2 = 16, ठीक है, × 10⁻¹⁷, m से इधर गुणा है, दूसरी साइड जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। अब v² = कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16×10⁻¹⁷ बटे m, जहाँ पे m क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्या है, 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो अब बताइए भाई, 1 प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, ठीक है, किसको पता है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, जल्दी बताइए। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो कितना होता है, तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता है तो इधर देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान तो फाइनली v = मिला हमको ऊपर 16×10⁻¹⁷, नीचे 1.67×10⁻¹⁷, और इसका अंडर रूट, ठीक है, इसका अंडर रूट। अब देखो 10⁻¹⁷ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻¹⁰, कितना हो जाएगा, 10⁻¹⁰, तो 16×10⁻¹⁰,
अपान 1.67, ठीक है। अब ऊपर तो हो गया कितना, ऊपर हो गया कितना 4×10^10 और नीचे अंडर रूट 1.67। अब 1.67 का वर्गमूल कितना आएगा, तो चलिए निकालते हैं 1.7 का वर्गमूल जो है, देखते हैं कितना आएगा। एक दशमलव छः सात जीरो कैंसिल हो गया, दशमलव लग गया, कैंसिल 6 7, तो अब कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा, 3 त्रिक 9 हाँ लगभग 3 बार जाएगा, थोड़ा सा कम पड़ेगा, 3 3 9 3 2 6, ठीक है, लगभग 3 बार जाएगा, क्योंकि 2 और इसके बाद जाएगा लगभग 9 बार, तो 2 या 8 या 9 बार जाएगा, ऐसे ही कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। तो दशमलव को आप हटाओगे, दशमलव को जब आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ें आ जाएगी। तो फोर इंटू 10^10 अपान 1.23। अब इससे क्या करो, इसमें भाग कर दो, जो आएगा वो इतना मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी को और कैलकुलेशन में समस्या हो रही है तो आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक। और इसका वर्गमूल निकाल कर अब देखो, इससे इसमें भाग कर दो, उसके बाद जो आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है आपके सामने ये जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न थे, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न थे, 8 क्वेश्चन थे। तो मैं डेली जो है आपको बोर्ड पर उतने ही अति लघुत्तरीय प्रश्न राइट करूँगा जितना मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से कम 70 अति लघुत्तरीय प्रश्न अब आपको पूरे बुक से हम करवा देंगे, और आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार दोबारा फिर से देख लीजिए, अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ओके स्टूडेंट। और सभी बच्चे साथ ही साथ कमेंट करके ये बताइए कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, और जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ, ओके स्टूडेंट। Thank you.